सेक्स की चाह में महिला ने 17 पतियों को मोटे घाट उतारा और बन गई खतरनाक विधवा। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐसी एक खतरनाक विधवा के बारे में, जो अपना सेक्स डिजायर पूरा करने के लिए 1, 2 या 3 नहीं पूरे 17 पतियों को ठिकाने लगा दिया। नमस्कार, मैं हूँ आरपी राजपूत, स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बठिंडा की रहने वाली लाला वन के बारे में, जिसने एक के बाद एक करीब 17 पतियों को मौत के घाट उतार दिया। सेक्स डिजायर पूरा करने के लिए उसने, जैसे ही उसका एक पति से मन उब जाता था तो वो दूसरी शादी रचा लेती थी, और ऐसे करके उसने 17 बार शादी कर ली, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी और उसने एक के बाद एक सभी पतियों को ठिकाने लगा दिया। बठिंडा की रहने वाली लालावन की शादी महज 14 साल में हुई थी। तब सभी ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। लाल जोड़े में ससुराल पहुंची तो सभी ने देखा कि बेहद खूबसूरत और सरल स्वभाव की है, लेकिन उसके मन में जो खौफनाक इरादे पाले बैठी थी, शायद उसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। ससुराल पहुंची, पति के साथ बेहद खुश रह रही थी, लेकिन 6 महीना बाद ही उसका पति से मन उब गया। फिर क्या था, उसने प्रेमी की तलाश शुरू कर दी जो उसके सेक्स की भूख को पूरी कर सके। फिर क्या था, उसने पति को खाने में जहर मिलाकर हमेशा के लिए सुला दिया और बन गई ब्लैक विडो, यानी खतरनाक विधवा। महज 14 साल की ये लड़की देखने में बेहद खूबसूरत और स्वभाव ऐसे कि कुछ जानती ना हो, लेकिन उसके इरादे बेहद खतरनाक थे। 14 साल की उम्र में उसका विवाह हुआ। करीब 3-4 महीने तक सब कुछ ठीक था, पति के साथ बेहद खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन अचानक लाला का मन अपने पति से उब गया। वो पति के साथ रहती थी, लेकिन उसकी नज़र किसी और मर्द पर पड़ गई। बस फिर क्या था, अभी शादी को बस 6 महीने ही बीते थे, लाला की पति की मौत की खबर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। हर कोई यह सुनकर हैरान था कि आखिर इतनी छोटी उम्र में ये लड़की विधवा कैसे हो गई। हर कोई उससे सहानुभूति जता रहा था, लेकिन वो मन ही मन खुश थी, क्योंकि वो खुश इसलिए थी क्योंकि उसकी प्लानिंग कुछ और ही थी। शादी के 6 महीने बाद उसने पहला ही कत्ल कर दिया था और जुर्म की दुनिया में कदम रखा। लाला की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि 14 साल की लाला ने अपने ही पति को मौत की घाट उतार दिया था। लाला ने अपने पति को जहर दे दिया था। लाला का पति उसे बेहद प्यार करता था, लेकिन लाला तो नए नए पतियों की तलाश में थी। लाला का सिर्फ 6 महीने में ही उस आदमी से दिल भर गया था और उसे नए मर्द तलाश थी, और उसने नए शख्स की तलाश कर ली। जैसे ही लाला की जिंदगी में एक नया आदमी आया तो उसने अपने पति को ठिकाने लगा दिया, और एक दिन उसने अपने पति को के खाने में जहर मिला दिया और मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसे कुछ ही महीने बीते थे कि उसने दूसरी शादी कर ली। पति की मौत के बाद महीने बाद ही 14 साल की इस विधवा ने दूसरी शादी कर ली। अभी पास के एक गांव में रहने लगी, अपने पति के साथ बेहद खुशहाल रह रही थी। गांव के और हर किसी को लगा कि चलो इस लड़की का घर दोबारा बस गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, वो तो दिमाग में कुछ ही और प्लान कर रही थी। लाला कुछ दिन तो इस नए शख्स के साथ खुश रही, लेकिन चंद दिनों में ही इस आदमी से भी उसका दिल भर गया। फिर क्या था, इसने वही हथकंडा अपनाया कि खाने में जहर मिला दिया, और कुछ महीने बाद ही दूसरे पति को भी ठिकाने लगा दिया। पति के खाने में जहर मिलाकर मार देती थी लाला। दूसरे कत्ल का तरीका भी पहले कत्ल से कमोबेश एक जैसा ही था, खाने में जहर देना। मौत के तुरंत बाद लाला अपने पति का अंतिम संस्कार भी कर देती थी, जिससे किसी को शक ना हो। रोना धोना सारी क्रियाएं बखूबी निहार रही थी। 15 साल की उम्र में लाला दूसरी बार विधवा बन चुकी थी। हर कोई लाला की किस्मत से दुखी था कि आखिर इस लड़की के साथ किस्मत भी कैसा खेल खेल रही है, लेकिन लाला मन ही मन खुश थी क्योंकि वह दूसरे पति से उसको पूरी तरह से छुटकारा मिल चुका था और उसके दिमाग में खौफनाक प्लान चल रहा था। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, उसने एक के बाद एक आदमियों की बदलती गई, शादी करती गई, और मारने का तरीका भी एक जैसा कि खाने में जहर मिला देना। वो जिससे शादी करती 6 महीने के भीतर ही उस शख्स की मृत्यु हो जाती। लोग उसे कुंडली दोष देने लगे, लोग कहने लगे कि लाला की किस्मत बेहद खराब है, तभी तो कोई पति जिंदा ही नहीं रह पाता है। कोई लाला से दया दिखाता तो कोई नफरत करने लगा।
गांव वालों का मानना था कुंडली दोष की वजह से लाला की शादी नहीं रुक पा रही है, तभी तो लाला विधवा हो रही है। लेकिन ये लड़की इतनी सातिर और चालाक थी कि इसके दिमाग में इतने खतरनाक प्लान चल रहे थे कि वो कोई सोच नहीं पा रहा था कि आखिर लाला ऐसा क्या कर देती है। लाला ऐसा खौफनाक प्लान बना रही थी जिसके बारे में ना तो गांव वालों को खबर थी और ना ही किसी को। कोई ये सोच नहीं पा रहा था कि खुद लाला ही अपने पति को मार रही है और खुद सफ़ेद साड़ी वाली काली विधवा बन जाती है। महज 20 साल की उम्र में लाला ने 16 पतियों को ठिकाने लगा दिया। 20 साल की उम्र में सीधी साधी दिखने वाली लाला 16 बार विधवा बन चुकी थी। ना ज़्यादा पढ़ी लिखी, ना ज़्यादा समझदार और ना ही कोई सोच सकता था कि इतना बड़ा प्लान ये लड़की बना सकती है। लेकिन मर्डर करने में उसे महारत हासिल था। पंजाब के भटिंडा की ये लड़की एक ही तरीके से 16 पतियों को मार चुकी थी और अब बारी थी 17वें पति की। लेकिन पुलिस को अब इसके ऊपर शक गहराता जा रहा था कि आखिर इस लड़की के एक के बाद एक 16 पति कैसे मर चुके हैं। 16 पति मरने के बाद पुलिस को शक हुआ कि अब 17वीं बार लाला दुल्हन बन चुकी है और हो सकता है कि यही अपने पति को मार रही है। पुलिस का शक भी सही था, लेकिन पुलिस के पास अभी तक 16 पतियों के मरने के कोई सबूत नहीं थे, इसलिए लाला को ना तो गिरफ्तार कर सकती थी और ना ही पूछताछ। गांव वाले तो यही सोच रहे थे कि इस लड़की के साथ किस्मत कैसा खेल खेल रही है, एक के बाद एक पति की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही पतियों की मृत्यु हो जाती थी तो लाला तुरंत ही अंतिम संस्कार करती थी, रोना धोना सारे विधि विधान खूब निभा रही थी और पुलिस के पास कोई उसके खिलाफ सबूत नहीं था। हर हत्या के बाद तुरंत पतियों को अंतिम संस्कार कर देती थी, जिसकी वजह से पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब 17वीं बार वो शादी कर चुकी थी। पुलिस को पूरा शक था कि ये लड़की खुद अपने पतियों को ठिकाने लगा रही है। पुलिस ने लाला के 17वें पति को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लाला ने उसे भी निपटा डाला। इस बार पुलिस सचेत थी। मौके के तुरंत बाद घर से लाश को अंतिम क्रिया के लिए ले जा रहा था, तभी पुलिस ने पहुंच गई और पुलिस ने ऐसा इस बार नहीं हो पाया। इस बार पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया। लाश को पुलिस ने अपने कब्जे में लेते ही लाला को गिरफ्तार कर लिया। जांच में साफ हुआ कि लाला ने अपने पतियों को जहर देकर मौत के घाट उतारा है। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की और उसको रिमांड में लेकर पूछताछ की तो उसने सारे जुर्म कबूल कर लिए। पुलिस पूछताछ के दौरान उसने कई ऐसी चौंकाने वाली बातें बताई जिसे सुनकर आप भी डर जाएंगे। लाला ने बताया कि उसे हर बार एक नए शख्स की सेक्स के लिए तलाश रहती थी। वो थोड़े ही समय में एक इंसान से ऊब जाती थी, इसलिए वो हर बार पति को जहर देकर मौत के घाट उतार देती थी और दूसरे नए पति से शादी कर लेती थी। और ऐसे ही कर करके उसने 17 पतियों को मौत के घाट उतार दिया। गांव वाले भी सोच नहीं सकते थे कि एक सीधी सादी सी दिखने वाली लड़की कैसे एक खौफनाक कदम उठा सकती है। पुलिस कस्टडी में खुद इस सीरियल किलर ने माना कि अगर वो 17वें पति को ठिकाने लगा देती और अगर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता तो वो ऐसे ही आगे भी करती रहती और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता।